ओम गणपति नमो गणेश दोस्तों सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन कन्या राशि से निकल के जाएंगे तुला राशि में इसका प्रभाव सभी जोडियक साइंस पे पड़ेगा पढ़े, 17 अक्टूबर 2021 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे तुला राशि में और तुला राशि में 16 नवंबर 2021 तक ये गोचर करेंगे सूर्य का गोचर किसी भी राशि में एक महीने का रहता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य को सभी प्लैनेट्स का किंग कहा जाता है राजा है क्योंकि ये सोलर सिस्टम है हर चीज सूर्य की मर्जी से चलती है हर चीज लिविंग एलिमेंट्स सूर्य की एनर्जी से ही चलता है सो so, सूर्य के गोचर से सभी साइन अफेक्टेड रहते हैं सभी पे प्रभाव पड़ता है सो भाई जानते हैं इस ट्रांजिट का सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों इसको मैंने डिटेल में अपनी वेबसाइट .com में कवर किया है अदरवाइज इसी में इस वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे पहले हम जानेंगे बाकी प्लैनेट्स का इस पीरियड में क्या ट्रांजिट रहेगा और ओवरऑल वर्ल्ड पे क्या असर आएगा उसके बाद हम जाने की कोशिश करेंगे हर राशि पे इसका डिफरेंट प्रभाव कैसे रहेगा सो so, दोस्तों सूर्य रहेंगे तुला राशि में सेवनटीन अक्टूबर से सिक्सटीन तक इस पीरियड के अंदर बृहस्पति देवता जो कि वक्री चल रही है एटीन अक्टूबर को मार्गी होंगे जुपिटर और सेट्रन दोनों कैप्रिकॉन साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं अब जानते हैं शनि देवता ग्यारह अक्टूबर को मार्गी हो गए अभी जुपिटर एटीन अक्टूबर को मार्गी होंगी शेयर मार्केट के अंदर आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे मंगल मंगल 22 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर सन के साथ कंजेंट करेंगे लिब्रा साइन में मर्करी 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहे हैं और वो भी लिब्रा साइन में प्रवेश करेंगे सेकेंड नवंबर को सो सन एंड मंगल ट्रांजिट रहेगा ट्वेंटी अक्टूबर के बाद सिक्सटीन नवंबर तक और मर्करी उसमें और आ जाएंगे सेकेंड नवंबर के बाद तो तीन प्लेनेट का लिब्रा साइन के अंदर कंजंक्शन रहेगा सन मार्स एंड मर्करी दोस्तों शुक्र जो कि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक उसके बाद निकलकर सेजिटेरियस साइन में चले जाएंगे। so, सूर्य के ऊपर सन केतु की अर्गला रहेगी इस पीरियड के अंदर पहले वीनस एंड केतु की उसके बाद सिर्फ केतु की तो चलो दोस्तों जानते हैं अब इस ट्रांजिट का क्या फर्क रहेगा सभी राशियों के ऊपर सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम के राजा हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फादर सोल इगो अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट एंटायर सोलर सिस्टम सूरज पे ही सरवाइव करता है सूर्य के दोस्त हैं मून जुपिटर मार्स और मरकरी जो है वो न्यूट्रल है सेट्रन वीनस राहु केतु इसके एनिमी है सो अभी जो सन का ट्रांजिट रहेगा लिब्रा साइन के अंदर वो की शुक्र की राशि है और सूर्य की नीच राशि है नीच राशि का क्या मतलब मीन्स सूर्य यहाँ पे आपको पूरे इफेक्ट नहीं दे पाता है अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता इसको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं आप देखिए मौसम के अंदर भी मौसम एकदम चेंज हो जाएगा गर्मी से सर्दी होना शुरू हो जाएगी टेम्परेचर विल फॉल सो सूर्य की एनर्जी जो है जो अभी तक आपको हीट चुभ रही थी वो हीट चुभनी बंद हो जाएगी एनर्जी लेवल जो हमारी सोल का है वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा हम कहीं ना कहीं कुछ अपनी एनर्जी के अंदर कमी महसूस करते रहेंगे अपने दुश्मन की राशि और नीच राशि में सूर्य ट्रांजिट करेंगे मगर इनके साथ कौन है इनके दोस्त शुक्र अपना मंगल और उसके बाद न्यूट्रल बुद्ध ज्वाइन करेंगे दोस्तों तुला राशि साइन है लग्जरीज का खर्चे का ये मूवेबल साइन है वो एरी साइन है सो आप देखेंगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे हो सकता है इसकी वजह हो कि त्यौहार त्यौहार आ गए हैं दिवाली दूसरे फंक्शन आ गए हैं लोगों को जगह जगह जाना है मगर ओवरऑल आप देखेंगे आपके खर्चे बढ़ गए होंगे और महीने के एंड में आप देखेंगे कि जेब में आप आने वाले पैसे को ढूंढते रहेंगे रीजन क्या है लग्जरीज पे खर्च करेंगे अपनी शो पे खर्च करेंगे लोगों में पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के लिए आप खर्च करेंगे गिफ्ट लेके लोगों में बांटते रहेंगे सो so, इस पीरियड में आप देखें कि जो सूर्य है सूर्य की एनर्जी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में ही चली जाएगी ईगो हम लोगों की फॉल्स रहती है क्योंकि जब नीच में होते हैं जब हम नीचता पे आते हैं तो ईगो फॉल्स रखती है, फॉल्स ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब होती है अब देखिए कई नेशंस ये भी अपनी ईगो के चक्कर के अंदर क्लैश करेंगे एक दूसरे के साथ जो कि वॉर लाइक सिचुएशन बन जाएगी राहु देवता पहले कृतिका नक्षत्र में है और वो सन का नक्षत्र है और सूर्य भी डेबिलिटेशन में आ जाएंगे सो सूर्य के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा सूर्य पे प्रेशर मींस आपके सोल पे आपकी बॉडी पे आपके फिजिकल एलिमेंट पे गवर्नमेंट पे अथॉरिटीज पे सो तो वो पूरी एनर्जी अपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सो दोस्तों ये तो हो गया आपका ओवरऑल और अभी बात करेंगे हर जॉडियक साइन पे इसका क्या असर रहेगा अगर हम एरीज की बात करें तो सूर्य मेष राशि के लिए सूर्य फिफ्थ हाउस के स्वामी है और ट्रांजिट कर रहे हैं सेवेंथ हाउस में सेवेंथ हाउस किसका होता है मैरिज का पार्टनरशिप का आपकी पब्लिक इमेज का सो फिफ्थ हाउस का स्वामी नीच होकर सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है सो so, जो आपकी प्रॉब्लम्स एरिया एक्टिव एरिया कौन सा एक्टिव होगा आपकी शादी का पार्टनरशिप का आपकी एंटरप्रेनरशिप का आपकी एजुकेशन का ये एरियाज आपके एक्टिवेट हो जाएंगे सो so, कुछ डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकती हैं ओपोनेंट्स की वजह से आप अपना काम जो है अपना ज़्यादातर टाइम लोगों के साथ कंपीट करने में निकालेंगे अभी सूर्य और मंगल दोनों गर्म प्लैनेट शादी के घर में आ गए मैरिड लाइफ में आ गए तो आप अपनी वाइफ के ऊपर अपने स्पाउस के ऊपर अपना जो लव रिलेशन है उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी शो करने की कोशिश करेंगे रिलेशन ख़राब होंगे ईगो क्लैश होगी अगर आपने अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं तो ये मान के चलें कि सूर्य और मंगल आपके सेवंथ हाउस में है जो कि सेपरेशन करा देते हैं सेपरेशन तलाक नहीं होता सेपरेशन होता है कि आपको अलग अलग बेडरूम में सोना पड़ जाए अलग अलग रहना पड़ जाए कहीं कहीं आपको विजिट के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए कहीं घूमने के लिए निकल जाए जिनसे कि आप अपने स्पाउस के साथ उसको टाइम स्पेंड ना कर पाए अभी सूर्य और मंगल दोनों का एस्पेक्ट लगन के ऊपर है लगन के ऊपर एस्पेक्ट होने से आप देखेंगे एनर्जी का लेवल तो बहुत है और आप कोशिश भी काफी करेंगे आपकी पर्सनैलिटी जरूर डेवलप होगी आप काम करने की कोशिश करेंगे मगर उसका जो इफेक्ट आएगा वो आपके रिलेशन के ऊपर आ सकता है हेल्थ का ख्याल रखें योगा एक्सरसाइज करते रहे पीरियड ठीक रहेगा दोस्तों भी बात करेंगे तुला राशि की साइन टॉरस साइन सूर्य फोर्थ हाउस का स्वामी चौथे घर का स्वामी ट्रांजिट करेगा सिक्स हाउस में चौथा घर किसका होता है आपकी मदर का आपके सुख स्थान और वो कहां चला गया डेट टेनिमी डिजीज में सो मदर की हेल्थ का ख्याल रखें परिवार के सुख के लिए कोई फालतू की ईगो मत पालें सूर्य और मंगल जब सिक्स हाउस में आता है तो आपकी पूरी एनर्जीज अपने दुश्मनों को खत्म करने में निकल जाती है कंपटीशन में आप जीतते हैं किसी भी कंपटीशन में चले जाएं, आप जीतेंगे क्योंकि आपके अंदर स्टेमिना काफ़ी है काम करने की हिम्मत काफी है मगर इसके अंदर अपने परिवार को मत घसीटें दुश्मनी करें दुश्मनों को सॉर्ट आउट करें कॉम्पिटिशन को सॉर्ट आउट करें मगर अपने परिवार को उससे दूर रखें चौथा घर किसका है प्रॉपर्टी का सिक्स हाउस लोन का सो so, लोन लेकर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं हो सकता है इस पीरियड में आप कोई लोन ले प्रॉपर्टी खरीद ले कोई प्रॉपर्टी का लीगल केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है सो so, ओवरऑल यह पीरियड सिक्स हाउस के अंदर जब सूर्य होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है मेलेफिक सिक्स हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं तो so, ये पीरियड टॉरस साइन के लिए एक अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है बात करेंगे जेमिनी साइन की मिथुन राशि सूर्य अभी स्वामी है थर्ड हाउस के ट्रांजिट कर रहे हैं फिफ्थ हाउस में थर्ड हाउस क्या है आपकी एफर्ट का घर है फिफ्थ हाउस क्या है आपके लव रिलेशन्स एजुकेशन आपके एंटरप्रेनरशिप सो so, आपकी जो एफर्ट जाएगी किसके अंदर जाएगी अपनी पढ़ाई में जाएगी एजुकेशन में जाएगी एंटरप्रेनरशिप में जाएगी अगर आप पाठ पूजा मंत्र सिद्धि इन चीज़ों को इनमें इन्व, इन्वॉल्व है उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी आपको अपने लव रोमांस मंत्र साधना पूर्व पुण्य चिल्ड्रन इनके ऊपर अपनी एनर्जी लगाएंगे दोस्तों ये दो क्रूल प्लेनेट हैं जो फिफ्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स क्या होते हैं लव रिलेशंस होते हैं बच्चे होते हैं उनके ऊपर इनका बुरा असर हो सकता है क्योंकि वो सॉफ्ट एलिमेंट है मगर जहां पे काम करने की बात है आपके अंदर स्टेमिना काफी रहेगा सो so आप कोई भी काम कर सकते हैं कई रिस्क ले सकते हैं रिस्क लेते हुए ख्याल रखें सीनियर्स के साथ अवॉइड आर्ग्यूमेंट बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें इस पीरियड में कहीं घूमने जा सकते हैं अपने परिवार के साथ और वो टूरिज्म उसके अंदर कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस जरूर शामिल होगी सो so, भी बात करेंगे कैंसर साइन की कर्क राशि सूर्य सेकेंड हाउस के स्वामी है ट्रांजिट कर रहे हैं फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस मदर कंफर्ट लग्जरी सेकेंड हाउस आपका धन आपका पैसा आपके एवडिस आपका परिवार दोनों का कनेक्शन सूर्य और मंगल सो so, आपकी पूरी एनर्जी अपने परिवार के लिए है अपनी फैमिली के लिए है आप अपनी फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे मगर उसके साथ ईगो रहती है कि मैंने भैया आप लोगों के लिए ये किया जो कि जनता सुन के राज़ी नहीं है चाहे आपकी परिवार हो बीवी हो बच्चे हो मदर हो जब आप किसी को बोलते हैं जब आप किसी को बोलेंगे कि मैंने आपके लिए ये किया तो वो नाराज हो जाता है सो so, लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं आपने क्या किया या आप क्या करने जा रहे हैं आप अपने परिवार के लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट है प्रोफेशन के मामले में आपको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से सीनियर से अथॉरिटी से अगर नौकरी नहीं है इस पीरियड में जॉब मिल सकती है आपको नाम मिलेगी शोहरत मिलेगी बाकी घर के अंदर आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खराब हो सकता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस उनके देखिए ढंग से प्रॉपर इंसुलेटेड हो क्योंकि सूर्य मंगल गर्मी ज़्यादा होती है आग लगने की प्रॉबिलिटी बनी रहती है अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं बेचना चाहते हैं कोई इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये अच्छा पीरियड है इसका इस्तेमाल करें अब बात करेंगे लियो साइन की सिंह राशि सूर्य लगन लॉट है और थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सो so, लगन आप खुद अपनी एफर्ट कर रहे सिबलिंग शॉर्ट ट्रिप इस पे जा रहे हैं मंगल साथ में कनेक्ट कर रहे हैं सो so, ये काफी फेवरेबल है सिंह राशि के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है आपको अपनी एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा आप पूरी अपनी एनर्जी अपनी ताकत अपने काम में लगाएंगे सो so, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट है सो so, लक फेवर करेगा फादर फेवर करेंगे आप इस पीरियड में लकी रहेंगे यात्राएं करेंगे शॉर्ट ट्रिप लॉन्ग ट्रिप इस पीरियड में आप करेंगे आप अपनी कम्युनिकेशन और एबिलिटी से लोगों को इम्प्रेस करेंगे नए कनेक्शन बनाएंगे कोई नई डील क्रैक कर सकते हैं इस पीरियड में जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए पीरियड ठीक है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए पीरियड ठीक है ओवरऑल so, साइन के लिए पीरियड बेस्ट ऑफ द रिजल्ट दे सकता है वर्गो साइन कन्या राशि कन्या में अभी सूर्य जो है वो ट्वेल्थ हाउस के स्वामी है ट्रांजिट कर रहे हैं सेकेंड हाउस में फैमिली वेल्थ पैसा स्पीच सूर्य और मंगल दोनों सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे मैक्सिमम पीरियड सो इस पीरियड के अंदर आपकी कोई ट्रांजैक्शन रहेगी प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन में खर्चे बढ़ेंगे खर्चे क्यों बढ़ेंगे घर के अंदर कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कई एफ खरीद सकते हैं खर्चे बढ़ेंगे सो हो सकता है कि आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई एफ डी तोड़नी पड़े कम्युनिकेशन हार्श रहेगा बोल जो है वो आपका लोगों के साथ बड़ा तीखा रहेगा क्योंकि फालसिगो के साथ मंगल आ गया आप अपने रिलेशन खराब कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आर्गूमेंट को अवॉइड करना नहीं तो रिलेशंस लंबे समय के लिए आप समझें कि खराब हो गए फैमिली फंक्शन हुआ उसमें आपने लोगों को गाली दे दी और उसके बाद लंबे समय के लिए आप लोग फैमिली से आउट हो गए अदरवाइज ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट है जो खर्चे कर रहे हैं आप अपने फैमिली फंक्शन के लिए अपने परिवार की एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं खाने पीने का ख्याल रखें सेकेंड हाउस खाने का होता है मंगल आ जाता है तो हम गर्म खाते हैं ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ दिक्कत करते हैं शुक्र के अंदर शुक्र की राशि है सो डायबिटीज़ शुगर इन चीज़ों को अवॉइड करें साइन तुला राशि सूर्य साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं सो भी सूर्य एलेवं हाउस के लॉर्ड होके लगन में ट्रांजिट करेंगे इलेवेंथ हाउस क्या होता है इलेवेंथ हाउस होता है आपके गेंस मेरी इच्छाओं की पूर्ति इलेवेंथ हाउस से होती है सो so, लग ट्रांजिट कहां पर लगन में सो so, मैं और मेरी इच्छाओं की पूर्ति सो so, ओवरऑल जो आप लंबे समय से सोच रहे हैं वो पूर्ण होगा क्वालिटी में गड़बड़ जरूर होगी क्योंकि सूर्य नीच है क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल बी डिफरेंट फोन चाहते थे आईफोन लेट लेटेस्ट मॉडल आ गया फर्स्ट मॉडल वो चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी एनर्जी का लेवल काफ़ी रहेगा एनर्जी को कंट्रोल करके रखें हेल्थ इम्प्रूव होगी मगर मैरिड लाइफ के ऊपर दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है सो स्पेशली ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर के बाद और सेकेंड नवंबर के बाद फैमिली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आप अपने पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर हो लाइफ पार्टनर हो उनके साथ कहीं कही ना कहीं कलेश जरूर कर सकते हैं अपने रिलेशन उनके साथ खराब कर सकते हैं पानी पिए काफ़ी पानी पिए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर लिक्विड क्यों सूर्य और मंगल है तो उनको थोड़ा ठंडा रखना जरूरी है सो तो अभी बात कर लें स्कॉर्पियो साइन की वृश्चिक राशि सूर्य टेंथ हाउस के लॉट आगे ट्वेल्थ हाउस में सो तो गेंस कहाँ से हो सकता है आपको प्रोफेशन मामले में जो लोग फॉरेन के साथ डील करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ डील करते हैं एमएनसी में काम करते हैं उनकी तो चांदी लग गई उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया उनको तो बेनिफिट मिलना शुरू हो गया बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं एमएनसी में काम कर कर, कर कर रहे हैं अगर आप कोई लंबे समय से एक साल से आप वेट कर रहे हैं कोई फॉरेन असाइनमेंट की नंबर आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर काम बढ़ेगा फॉरेन के साथ काम बढ़ेगा मगर जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं इंडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है नुकसान होने के चांसेस हैं कुछ लोग अपनी नौकरी भी छोड़ सकते हैं काम का प्रेशर रहेगा पूरी आपकी एनर्जी डिस्चार्ज होगी सो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर आपको बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हेल्थ का ख्याल रखें सूर्य मंगल दोनों ट्वेल्थ हाउस में हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं फादर की हेल्थ का ख्याल रखें बड़े भाई की हेल्थ का ख्याल रखें गाड़ी स्पीड में ध्यान से चलाएं। चलो दोस्तों बात कर लें धनुराशि की सेजिटेरियस साइन सूर्य नौवें घर के स्वामी कहाँ गोचर करेंगे इलेवेंथ हाउस में इनकम गेंस डिजायर लक का कनेक्शन हो गया इनकम गेंस डिजायर के साथ और ट्वेल्थ लॉर्ड मंगल भी साथ में बैठ गए सो प्रोफेशन के लिए हेल्थ के लिए पीरियड ठीक है सोशल कनेक्शन आपके बहुत बढ़ेंगे जो लोग पब्लिक फिगर हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत बढ़िया है अगर कि, कोई किसी ने आर्मी का पुलिस का गवर्नमेंट जॉब का पेपर दिया हुआ है तो उस पीरियड के अंदर उसको सफलता मिलेगी बिजनेस वाले उनका बिजनेस इस पीरियड में ठीक चलेगा आपका स्ट्रेंथ नाम बढ़ेगा आपको लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं हालांकि आपको लगेगा कि वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं आप किसी जगह पे अपॉइंटमेंट दे चाहते थे मगर आपको तो सिर्फ अपॉइंटमेंट भी मिली सो आप इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। जिनके प्रोजिनी इशू हैं उनके दो प्लेनेट उनको मेलिफिक प्लेनेट उसको देख रहे हैं सो रेगुलर मेडिकल चेकअप करें खाने पीने का ख्याल रखें स्टूडेंट्स के लिए इनके पास एनर्जी का लेवल काफी है स्टूडेंट्स के लिए समय सही है बात कर लें कैप्रिकॉन मकर राशि की सूर्य लॉर्ड है एट्थ हाउस के ट्रांजिट कर रहे हैं टेंथ हाउस में टेंथ हाउस किसका है नेम फेम कैरियर एट्थ हाउस रुकावटें सो रुकावटें आके बैठ गई आपके कैरियर में नाम में फेम में मंगल लेवंथ हाउस के लॉर्ड है मंगल इसको बचाएंगे सो सत्रह से लेकर बाईस तक का पीरियड थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकता है प्रोफेशन के मामले में एट्थ हाउस हमेशा खराब नहीं होता है एर्थ हाउस इज हिडन मतलब रिजल्ट आपको पता ही नहीं कहाँ से आ जाएंगे लॉटरी निकल गई वो एर्थ हाउस है चोरी हो गई वो एर्थ हाउस है सो आपको नहीं पता कि किस टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं मंगल जब आ जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा सो 22 अक्टूबर के बाद आप समझे कि पीरियड अच्छा जाएगा अदरवाइज सत्रह से बाईस तक ये एक ब्लाइंड है जिसमें आपको पता नहीं कि इस पीरियड के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें टेंथ हाउस प्रोफेशन का है सूर्य और मंगल दो गर्म प्लानिट बैठ गए आप लड़ाई कहाँ पे करेंगे अपने बॉस के साथ अपने सीनियर्स के साथ अपने प्रोफेशनल एरिया में क्योंकि दो मेलिफिक बैठ गए एनर्जी का तो लेवल काफ़ी है मुझे लगता है कि मुझे सब आता है तो so, मैं बॉस की परवाह नहीं करता सो so, जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी है उसकी वजह से दिक्कत हो गई कानून नहीं तोड़े सूर्य जब सेवंथ में होता है तो कानून तोड़ने की कोशिश करता है फॉल्स ईगो रखता है सीनियर्स के साथ ईगो इशू रखता है वो सीनियर का कहना माने पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा फिर वॉन कर रहा हूँ सीनियर को के साथ पंगा अवॉइड करें पीरियड आपके साथ अच्छा जाएगा नहीं तो बीजा नुकसान भी इस पीरियड के अंदर देखने को मिल सकते हैं बात कर लें कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन सूर्य सेवेंथ हाउस का लॉट ट्रांजिट कहाँ करेंगे नाइन्थ हाउस में सेवेंथ हाउस मैरिड का नाइन्थ हाउस लक का फॉर्चून रिलीजन का सो धार्मिक यात्राएं करेंगे फादर की हेल्थ का ख्याल रखें फादर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना करें कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करें।, करें स्पेशली वाइफ को लेके अपने स्पाउस या वाइफ या हस्बैंड को लेके एक्वेरियस साइन के, के लोग फादर के साथ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें वैसे भी इस पीरियड के अंदर लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन थोड़े से आपके स्ट्रेन रहेंगे प्रेशर रहेगा उन रिलेशन के ऊपर हो सकता है कुछ सेपरेशन हो सेपरेशन किस वजह से प्रोफेशनल टूर जाना पड़े कहीं डिफरेंट प्लेसेस पे यात्रा करने जाना पड़े कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाए अनमेरिड पीपल के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है इस पीरियड में उनको अपनी मन मर्जी का मैच मिल सकता है शादी हो सकती है सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का घर है अपने पार्टनर को हैंडल करते हुए ध्यान रखें अग्रेशन को कंट्रोल रखें थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट आपको एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है सो जो लोग कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं करें जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी बात कर ले मीन राशि की पाइसिस साइन सूर्य सिक्स हाउस के लॉट ट्रांजिट करेंगे एट्थ हाउस में वैसे तो ये नीच भंग बनाता है नीच भंग क्या होता है नीच भंग ये होता है कि हमें सफलता मिलती है पहले असफलता के बाद और काफी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलती है हाउस आपके हाउस ऑफ एक्सीडेंट्स हिडन हाउस हाउस ऑफ एक्सीडेंट स्टडीज इनहेरिटेंस मैरिड लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं वर्कलोड इस पीरियड पे आपके ऊपर काफी रहेगा काफी ज्यादा स्ट्रेन रहेगा आपकी हेल्थ के ऊपर काम की वजह से ज्यादा काम में बिजी हो जाएंगे हेल्थ को नहीं देखेंगे आ, तो उसे इस पीरियड में जो सूर्य है वो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर अपने से ट्वेल्थ बैठने की वजह से लक बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करता है सो भाग्य के भरोसे मत रहे मेहनत करें मेहनत करेंगे तो आपको फिर फे लक फेवर करेगा अदरवाइज आप सोचें कि लक की वजह से आप चलेंगे तो स्पेशली इस ट्रांजिट में वो चीज़ को भूल जाएं हर चीज़ को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर एक्सरसाइज करें काम पे ध्यान दें दोस्तों ये तो था ट्रांजिट सन का ट्रांजिट लिब्रा साइन में जब सन ट्रांजिट करेंगे सो सेवनटीन अक्टूबर से सिक्सटीन नवंबर का पीरियड ओवरऑल और सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा इसकी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट एस्ट्रोजीवा डॉट कॉम आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं आप अपने कमेंट्स क्वेरीज दे सकते हैं आपका दिन शुभ रहे ओम गणपते नमः